ऐसे तो देश में काफी मुद्दे हैं भुनाने को, बवाल मचाने को, लेकिन आजकल एक मुद्दा छाया हुआ है इन दिनों कुत्तों को लेकर खबरों की भरमार है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय अनंत देहाद्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के बीच हेनरी विवाद का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुल्तान को लेकर विवाद हो रहा है। इससे कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तो नोटिस तक भेजने की बात की गई। चलिए अब जानते हैं देश में कुत्तों के ऊपर विवाद के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी की, जिसे सांसद और वकील के बीच विवाद खड़ा कर रखा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जय अनंत देहाद्री के बीच रोटविलर बिड के हेनरी नाम के कुत्ते को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कुत्ता फिलहाल महुआ के पास है, जबकि जय अनंत हेनरी की कस्टडी अपने पास चाहते हैं। बता दें कि जय अनंत और महुआ पहले से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बाद में निजी कारणों के चलते अनबन आ गई और रिश्ते बिगड़ गए। अब अनंत का आरोप है कि सांसद महुआ ने उनको शिकायत वापस लेने की एवज में कुत्ता वापस देने की बात कही है। बता दें कि हेनरी रोटविलर नस्ल का कुत्ता है, जिसकी कीमत उम्र के हिसाब से 75,000 रुपए से ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे सुल्तान की, जिसे ट्रेनिंग के नाम पर मार दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पालतू कुत्ते को फांसी पर लटका कर मार देने का मामला सामने आया है। पाकिस्तानी बुलडॉग ब्रीड के इस कुत्ते की कीमत 50,000 रुपए थी। बिजनेसमैन ने अपने सुल्तान पर 2 साल के भीतर करीब 15 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन बीते मई महीने में डॉग को ट्रेनिंग पर दिया गया था, लेकिन ट्रेनर ने कुत्ते को फंदे से लटका कर मार डाला। आरोपियों ने बताया कि कुत्ता हिंसक हो गया था और इसलिए ट्रेनिंग के तहत ही कुत्ते को बांधकर उसके व्यवहार को काबू में करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस दौरान जिस रस्सी से उसे गेट पर बांधा गया था वो गले पर ज्यादा कस गई और कुत्ता बेसुध होने के बाद मर गया। डॉग ट्रेनिंग सेंटर से मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ट्रेनर सहित 3 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि जमानती धाराओं का मामला होने के चलते आरोपियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। अब हम बात करेंगे नूरी के बारे में, जिसका मामला अदालत तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी माँ सोनिया गांधी को एक कुत्ते का बच्चा गिफ्ट दिया था, लेकिन अब इस कुत्ते को लेकर मामला अदालत में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अदालत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने परिवाद दर्ज करवाया है। कहा गया है कि कुत्ते का नाम नूरी रखे जाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि नूरी शब्द इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा है। मुस्लिम बच्चियों के नाम नूरी भी होते हैं, इसलिए यह हमारी तौहीन है। अब इस मामले में अदालत ने परिवादी को बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर की तारीख दी है। अब हम बात करेंगे उस कुत्ते के बारे में, जिसकी वजह से IAS को जबरन रिटायर कर दिया गया। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने एक IAS अधिकारी को जबरन रिटायरमेंट दे दी, इसकी वजह भी कुत्ता ही था। दरअसल IAS अफसर रिंकू दुग्गा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश काडर की 1994 बैच की अफसर थी। उनके पति संजीव खिरवार भी 1994 बैच के IAS अफसर हैं। IAS दंपति पर आरोप था कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम को खाली करवाया था। इसी पर विवाद के बाद संजीव खिरवार का लद्दाख और पत्नी का अरुणाचल प्रदेश तबादला किया गया था। बता दें कि दिल्ली सरकार ने नियंत्रण वाला त्यागराज स्टेडियम 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार हुआ था। जानकारी के मुताबिक दुग्गा को मौलिक नियम, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों का नियम के तहत जबरन रिटायर किया गया। कहा गया है कि यह फैसला उनके सर्विस रिकॉर्ड को देखकर किया गया था। अब बात करते हैं बीजेपी नेता के कुत्ते के बारे में, जिसको खोजने के लिए पुलिस ने पोस्टर लगवाए थे। गुजरे अगस्त महीने में उत्तराखंड की उधमपुर पुलिस ने भी कुत्ते की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए थे। मामला ये था कि रुद्रपुर के बीजेपी पार्षद ओसुल नील यादव का रोटविलर नस्ल का कुत्ता 27 जुलाई 2023 को गुम हो गया था। रोटविलर नस्ल का कुत्ता काफी महंगा था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कुत्ते की तलाश में पोस्टर जगह जगह चिपका दिए और पालतू जानवर को खोजने में पूरी ताकत झोंक दी। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने चुटकी ली, बीजेपी नेता का कुत्ता खो गया तो पुलिस उसे खोजने में जुट गई है। लेकिन यही पुलिस किसी इंसान के खोने पर इतनी ही तेजी से काम करती है।
कुत्ते की कीमत 75,000 या फिर 50,000 या फिर कोई भी नस्ल का कुत्ता हो, लेकिन बवाल तो देश में कुत्तों की वजह से ही मचा हुआ है और वो मीडिया की सुर्खियों में भी बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि देश में मचा ये कुत्तों को लेकर बवाल कब खत्म होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।